देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन प्लेन है आपका ना, देखो दिस इज़ अ, तो इसमें आपको सबसे पहले जो बेसिकली बाकी तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस, तो एक तो ये होती है, दूसरा आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ कना ए, इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन एंड हूज स्लोप इज एम। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है आपका राधे का दस, दिस इज आपका एक्स एक्सिस, दिस इज द ओरिजन पॉइंट एंड दिस इज आपका राधे का दस, ए वाई एक्सिस हो गया आपका राधे का दस। पी इज एनी पॉइंट, पी इज एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन और आपका देखो नाउ एक्स वाई, अब इसको अगर आप ज्वाइन कर देंगे आपका देखो ना ओरिजिन पॉइंट से आपका ना देखो, एंड इफ यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर आपका ना फ्रॉम दिस पी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, सो नाउ दिस ओए इज योर एक्स यूनिट आपका ना फ्रॉम दिस ओरिजिन पॉइंट आपका ना, एंड दिस इज द वाई यूनिट आपका ना देखो आपका टुवर्ड्स टू वाई एक्सिस अबव द सॉरी टुवर्ड्स टू वाई एक्सिस अबव द एक्स एक्सिस आपका ना देखो दिस इज, तो ये अब आपको ये जो कह रहा है आपका ना देखो दिस इज द फाइंड द equation of the line, this is the passing THROUGS ने लिखा मैंने THRU through आपका नाम the origin, origin से आपका नाम origin ये हो गया आपका नाम देखो this is and whose slope is small m, ये देखो आपका नाम whose slope is small m आपका देखो this, तो स्लोप ये होती है आपका नाम देखो दिस दिस इज द स्लोप और ये आपका नाम ए दिस इज द थीटा एंगल आपका नाम देखो दिस लेट, तो आपका क्या हो गया लेट ओ बी द लाइन व्हिच इक्वेशन इज टू बी फाउंड, इसकी इक्वेशन आपका देखो ना लेट सॉल्यूशन जब आप करेंगे लेट ओ बी इज अ लाइन आपका व्हिच स्लोप इज टू बी फाउंड, जिसका स्लोप आपको ज्ञात करना है या प्राप्त करना है आपका ना देखो, एंड इट मेक्स थीटा एंगल विद द हॉरिजेंटल या विद द एक्स एक्सिस के साथ ये आपका थीटा डिग्री आपका बना हुआ है, ठीक हो गया। तो ना अब आपका क्या होगा लेट पी हैज कोऑर्डिनेट्स आपका ना देखो एक्स का मूल एक्स वाई आपके नाम जो है ये कोऑर्डिनेट है आपका नाम देखो दिस इज ऑन द लाइन ये आपका होगा एंड ड्रॉ पी ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस या ओ एक्स भी आप इसको लिख देते हैं आपका नाम देखो दिस, तो अब आप अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इज व्हाट वाई ओवर एक्स आपका देखो दिस इज परपेंडिकुलर ऑफ बेस, तो यही टेन थीटा आपका क्या दिस टेन थीटा इज इक्वल टू आपका नाम स्लोप और इसको आप क्या लिखते हैं एम, तो एम इज इक्वल टू देखो आपका नाम वाई अपॉन एक्स आपका नाम देखो दस वाई एम 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 का मतलब टेन थीटा आपका देखो ये हो गया क्लियर, तो वाई आपका नाम देखो इज इक्वल टू एम एक्स हो गया इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो आपका देखो स्ट्रेट लाइन की जो आपका नाम देखो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो वाई इज इक्वल टू आपका एम एक्स होगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स, डू इट प्लीज। फिर उसके बाद दूसरा आर्टिकल आपको बताता हूं, तो दिस वाज योर आर्टिकल नंबर वन, अब आर्टिकल नंबर अगर आप टू की बात करेंगे आपका ना देखो दिस आर्टिकल नंबर टू, इसमें आपका ना देखो दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम एक्स प्लस सी, देखो आपका ये क्या था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हूज स्लोप इज एम, और ये देखिए आपका ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर एम इज इक्वल टू आपका क्या होगा दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड स्मॉल सी जो आपका होता था सी इज द इंटरसेप्ट आई एन टी ई आर
सी आई एन टी आर सी पी टी आपका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स, वाई एस एक्स में जो आपका कटता है पॉइंट वो है इसका नाम, देखो आपका नाम सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ ये तो जब ओरिजिन से पास होगा तो c नहीं आएगा। अच्छा, जब ओरिजिन से पास नहीं होगा ये, जब आपका इंटरसेप्ट काटेगा x y एक्सिस पे तो आपका तब उस समय का आपको बता रहा है आपको। तो अब यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये है जीरो जीरो, दिस इज वाई एक्सिस, ये आपका y बार हो गया, ये आपका x बार हो गया, ए बी। अब आपका देखो एक स्ट्रेट लाइन है आपका, देखो अब देखो ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखो आपका ए बी इज स्ट्रेट, व्हिच इक्वेशन इज टू बी फाउंड। अब इसकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, इसको आप आगे भी अगर बढ़ा देते हैं देखो आपका तो यहाँ ये थीटा पे आपका कट जाएगी आपको ना, देखो यहाँ से। अब आप क्या करिएगा, यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर, यहाँ आपने परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, देखो आपका ना, देखो इज इट क्लियर, आपने ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एंड फ्रॉम दिस बी पॉइंट अगेन पैरेलल टू दिस आपका एक्सिस ये आपने कर दिया। तो व्हेन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, तो ये और ये एंगल आपके अगर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, करस्पोंडेंस एंगल हो जाएंगे, ये वाई एक्स के अलॉन्ग है ना, वाई एक्सिस से ना ये आपका, देखो ना, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट, दिस इज द सी, इसको आपका इंटरसेप्ट कहते हैं आपका, देखो ना, ये जो P पॉइंट है या A पॉइंट है जो भी आप कहें, ये देखो आपका नाम दिस, इसके कोऑर्डिनेट आपका इसको P पॉइंट भी आप कर सकते हैं, देखो आपका नाम दिस इज एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज आपका देखो x कॉमा वाई हो गया। तो ये पूरी जो डिस्टेंस होगी आपका नाम दिस विल बी टेकन एज योर y, और ये जो पूरी डिस्टेंस होगी आपका नाम देखो इट विल बी टेकन एज योर आपका x हो जाएगी, ठीक है जी, क्लियर। वाई एक्सिस आपकी है आपका नाम देखो, तो नाउ लेट ए बी, अब देखो ए बी है आपका जो, लेट ए बी बी आ लाइन आपका लाइन हुज आपका नाम इक्वेशन इज टू बी फाउंड, इसी की इक्वेशन आपने निकालनी है, ये जो आप देख रहे हैं आपका नाम। अब आपका जो ए ओ बी, तो लेट आपका जो ओ बी इज इक्वल टू आपका क्या होगा सी, एंड ए बी स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल भी बना दिया। अभी अभी आपने क्या बोला स्लोप एम इज इक्वल टू आपका क्या होता टेन थीटा, टेन थीटा आपने टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो एम आपका हो गया। लेट ए को मानो या पी, पी भी एनी पॉइंट आपका देखो ना ए ऑन ए बी, ए बी में आपका ना हैज कोऑर्डिनेट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या एक्स वाई है आपका देखो ए, कोई जरूरी नहीं है इसको आप आगे तक ले लो, कोई ए यहां लिख दो आपका ए आप यहां लिख दीजिए और पी यहां लिख दीजिए इसको आगे ये ए ए बी लाइन में आपका देखो एंड दिस इज पी आपका देखो एक्स को मोर ये आप लिख सकते हैं आपका। अब आपने क्या क्या ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन पी एम आपका देखो एक्स एक्सिस या ओ एक्स आप लिख सकते हैं आपका देखो, फिर आप यहां देखो ड्रॉ आपने क्या किया देखो बी एन बी एन परपेंडिकुलर ऑन आपका ना दो पी एम पी एम में आपने कर दिया देखो आपका, और एंगल आपका देखो ना एंगल इसका नाम भी अगर मैं दे दू सी दे देता हूं एंगल एंगल एम सी B is equal to angle and BP is equal to theta. ये आपका देखो ना corresponding angles हो गए, ये और ये आपका corresponding angle हो गए देखो आपका। अब आप इस वाले triangle में आ जाओ देखो, तो in right angle triangle आपका PNB PNB पंजाब नेशनल बैंक नहीं है ठीक है, तो tan theta, तो tan theta is equal to आपका perpendicular over base, तो tan theta का मतलब आपका क्या हो गया M हो गया आपका देखो ना M, और PB आपका देखो दिस परपेंडिकुलर PN PN ओवर आपका B, B का मतलब देखो अपन BN आपका देखो। अब आपका M इज इक्वल टू PN, PN को आप क्या लिख सकते हैं PM
और माइनस एन एम पी एम माइनस एन एम ओवर यू कैन राइट टू बी एन, बी एन को आप ओ एम भी लिख सकते हैं आपका देखो हो गया एम इज इक्वल टू पी एम पी एम इज वाट एग्जैक्टली वाई माइनस सी अपॉन आपका एक्स ये ऊपर चला गया तो एम एक्स इज इक्वल टू आपका देखो वाई माइनस सी दैट इज वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देन आपका इधर जाएगा तो सी एम एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू वाई ये आपका ओ टी में चला जाएगा तो देयर फोर स्वैपिंग कर दीजिएगा तो देयर फोर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हेन इट्स मेकिंग इंटरसेप्ट सी विथ द एक्स एक्सिस फ्रॉम दिस बी टू ओरिजिन पॉइंट नाउ लुक एट दिस इसको बल्कि आपका नाम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है इसको नाम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बी इट इज ऑल्सो नोन एज आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बी यू कैन से दैट प्लीज अब देखिएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस आपका नाम अब आपका आप जब इसका सॉल्यूशन यू विल डू आपका नाम देखो देखो यू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर क्वेश्चन आपका देखो नाम मैथमेटिक्स में फिगर आपको नाउ इट विल टेल अबाउट यू आपका देखो ई दिस इज द ये ओ ए इज वन लाइन या ओ पी इज वन लाइन देखो पी इट हैज अ कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड इट्स मेकिंग एंगल थीटा आपका देखो नाउ दिस इज द और ये आपने यू हैव ड्रॉप द परपेंडिकुलर आपका नाउ देखो दिस इज द तो दिस डिस्टेंस इज आपका योर एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज इसका मतलब आपका यहां पे अगर आप देखेंगे देखो मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ये देखो थीटा इज 45 डिग्री क्लियर इज 5 तो ना तो हियर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इसका मतलब एम का मतलब स्लोप स्लोप किसका स्लोप ऑफ ओ ए आपका देखो लाइन ये अगर आप देखेंगे लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ओरिजिन से आपका पास कर रहे हैं ओरिजिन जीरो से आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा एम या एम इज इक्वल टू टेन थीटा आप इसको ये भी एम इज इक्वल एम का मतलब आपका क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्लोप स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज 45 डिग्री एम इज इक्वल टू आपका कितना 10 45 कितना हो जाएगा वन हो गया ना अब आपको पता है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through the origin जब वो origin से पास होती तो उस समय आपका क्या हो जाता इस आपका क्या कहते क्या था अभी अभी आपने क्या बोला x sorry y is equal to आपका क्या होता है mx mx खाली mx आपका नाम तो आपका देखो तो substitute the value of m is equal to 1 in this equation आपका देखो इसमें आपने a y is equal to 1 into x तो y is equal to आपका जो देगा x y is equal to x या और y minus x is equal to 0 is the required solution या required equation भी you can write आपका नाम देखो दस एक छोटा सा सवाल आपका ऐसे था तो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू ये था इसके बाद आपका देखो अब क्या है वट आर द इंक्लाइनेशन टू द एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस का कितने डिग्री का आपका इंक्लाइनेशन आपका बना रहा है अब दैट लाइन वो लाइन आपका नाम जब आपका वाई इज इक्वल टू 1/3 एक्स रूट 3 प्लस 3 और वाई इज इक्वल आपका देखो रूट 3 एक्स प्लस 3 आपका है ये आपका देखो ना दिस तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कैसे करूं बताइए सॉल्यूशन दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस तो द इक्वेशन आपका देखो ना इक्वेशन आपका क्या वाई इज इक्वल टू 1/3 एक्स रूट 3 और प्लस आपका क्या हो गया 3
ये आपका इक्वेशन नंबर वन है आपका, देखो ना ये आपका ये गिवन है, दिस इज ऑल्सो गिवन। और देखो दूसरा भी लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल आपका देखो दिस रूट थ्री एक्स और प्लस थ्री, दिस इज ये भी आपका गिवन है। तो दोनों को अगर आपका देखो ना ये इक्वेशन वन इज इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, हो गया क्लियर। तो अब इसका मतलब अगर आपका देखो ये ना कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू आपका ना फॉर द, अब आपका देखो यहाँ y y को कंपेयर करेंगे तो देखो एम एक्स, देखो x x को आपने कंपेयर किया आपका ना देखो फॉर देखो x एंड c के लिए आपको x x को आपने कंपेयर किया आपका ना देखो देखो तो m is equal to आपका रूट थ्री ओवर थ्री आ रहा है, तो ना रूट थ्री से ये आपका वन अपॉन रूट थ्री आया भाई, थ्री का मतलब रूट थ्री इंटू रूट थ्री। तो आपका देखो m, m का मतलब आपका क्या होता है स्लोप, और m का मतलब स्लोप, और इसको क्या लिखते हैं आपका ना टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल आपका देखो वन अपॉन रूट थ्री हो गया, तो टेन थीटा एग्जैक्टली, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका ना देखो दस टेन थर्टी, तो थीटा इज इक्वल आपका क्या हो गया थर्टी डिग्री, और कॉन्स्टेंट आपका देखो ये इंटरसेप्ट है आपका ना देखो ये दिस सी इज इक्वल आपका क्या हो गया थ्री, ये सी इज इक्वल ई, अब क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ही तो होता है, इसका मतलब द लाइन इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब सर काटता है जो वाई एक्सिस पे द लाइन एक्सिस को सी काटता है, हाँ सी सी इंटरसेप्ट पे नहीं काटता, अभी अभी आपने प्रूफ तो किया लेकिन काटने का मतलब ये काटता, हाँ तो द लाइन वन मेक्स आपका ना देखो दिस इज आपका क्या बना रही है आपका ना एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विथ एक्स एक्सिस बना रही है क्लियर। तो अब आपका देखो ये एक्स एक्सिस ये आपका जीरो जीरो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, देखो आपका ना दिस, अब आपका एक पॉइंट आपका अगर पी ले लिया थर्टी डिग्री आपका बन गया जो वाई एक्सिस को कहीं पे भी काट रहा हो आपका ना देखो दिस फ्यू पॉइंट्स पे हो गया। अब दूसरा आपका देखो आप क्या है सेकेंड वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री एस कंपेयर में वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो एक्स एक्स को कंपेयर करें एम इज इक्वल टू आपका देखो ना रूट थ्री हो गया, तो ना एम का मतलब आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल आपका देखो ना टेन सिक्स इससे कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल आपका क्या होगा सिक्सटी डिग्री, और आपका देखो सी सी इज इक्वल आपका क्या होगा थ्री हो गया। तो ना इसका मतलब द सेकेंड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विद एक्स एक्स एक्सिस विद इंटरसेप्ट ऑफ थ्री यूनिट, इसको कंपेयर करो फिर आपको नाम देगा ना नहीं m को ही कंपेयर करके ये पता चलेगा स्लोप तभी तो निकलेगा, और c को कंपेयर करेंगे तभी तो आपको क्या निकलेगा इंटरसेप्ट निकलेगा। y तो आपका y इज इक्वल टू mxc दैट इज द फॉर्मेट फॉर्म आपका है आपका नाम देखो दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर c इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 0 का मतलब द लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन पॉइंट आपका होगा, तो उस समय इंटरसेप्ट ही नहीं होगा, उस समय तो y इज इक्वल टू खाली mx हो जाएगा। Are you getting my point? Sir, question के लिए पूछा, what are the inclination to the x-axis of the line? हम्म। तो ये slope के बारे में पूछा है। हाँ। कि
लाइंस का और लाइंस का स्लोप क्या होगा? क्या होगा? एग्जैक्टली आप समझ गए? yes. अब आपका ये हो गया 60 डिग्री। ये आपका हो गया, क्लियर है? तो जितना नजदीक आते रहेंगे आपका नाम आप ओरिजिन पॉइंट के, द एंगल विल बी इंक्रीज। जितना ओरिजिन पॉइंट से दूर भागेंगे द एंगल विल बी डिक्रीज। ये तो आपको क्लियर अब समझ आ जा रहा होगा, क्लियर है? फाइव नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 10 inverse 3/4। अब आप करेंगे सॉल्यूशन। अब आप इसके हिसाब से अगर आप जाएंगे, देखो आपका क्या बोल रहा है, कटिंग ऑफ इधर -2 फ्रॉम द इधर एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस पे आपका पूरा ट्रांसलेट आपका देखो ना, एंड आपका इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 10 inverse 3/4। कई बार आपका क्या होता है एंगल्स नहीं देता, जो आपके 30 डिग्री 60 डिग्री आपका 45 डिग्री नहीं देता है आपका नाम, उस समय आपका ऐसे देता है आपका नाम। आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो आपका सी का मतलब इंटरसेप्ट with y axis तो c is equal to -2 हो गया आपका ना। देखो एंगल 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 मीन्स थीटा, तो थीटा इज इक्वल आपका देखो ना 10 inverse 3/4। तो 10 inverse नीचे आएगा देखो, तो ये देखो आपका इक्वल टू आपका देखो 3/4 हो गया। ऊपर जाएगा आपका देखो ना, क्योंकि देखो 1/(x^-n) इज इक्वल टू (x^n) हो जाता है आपका, इसलिए ऊपर जाएगा। तो देखो 10 θ = 3/4 हो गया। तो 10 θ इज व्हाट? 10 θ इज इक्वल टू क्या होता है? m होता है, और m आपका क्या होता है? दैट इज द स्लोप होता है। इन प्लेस ऑफ m, m इज इक्वल टू आपका देखो सुना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c एंड m इन, देखो आपका y इज इक्वल टू mx + c के रख दीजिए, y इज इक्वल m 3/4, x + c इज -2, तो y इज इक्वल 3/4 प्लस माइनस का माइनस, देखो x भी है, आप ऐसे कर दीजिएगा आपका देखो ऐसे, तो y इज इक्वल mx + c हो गया आपका नाम। देखो जैसे y इज इक्वल mx + c प्लस का होता है -2 आपका नाम इज द रिक्वायर इक्वेशन। व्हाट कैन यू डू मोर देन दैट? आपका 4 × 2 = 8 हो गया आपका ना। जब हमारा फॉर्मेटिव वाई इज इक्वल mx + c है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई और एलसीएम करने की कोई देयर इज नो नीड फॉर दैट। ठीक है जी, क्लियर? प्लीज डू इट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम द y एक्सिस and being equally inclined to the x-axis. इसका मतलब देखो आपका c is equal to आपका ना, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो c is equal to आपका कुछ दिख रहा है, ये देखो -1 intercept -1 from the y axis and being equally inclined to the x-axis. इसका मतलब -1 आपका जी हाँ, तो यही तो मतलब आपका यही समझ। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो 45 भी हो सकती है, और थीटा की जो वैल्यू होगी 135 भी हो सकती है। इसका मतलब अब आप यहां आइए, थीटा इसे करो, आपने बोला 45 डिग्री
तो ये आपका क्या रहेगा, m m इज इक्वल टू 10 थीटा हो गया, और 10 थीटा इज इक्वल आपका क्या होगा 1045 हो गया। देखो हो गया, एक बार ये आ गया आपका, देखो और आपका नाम, और अगर आपका नाम थीटा इज इक्वल टू अगर आपका 135 अगर आप बोलते हैं आपका नाम, देखो दोस्तों तो 10 135 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो 10 आपका देखो 180 माइनस आपका क्या हो गया 45, 180 में से 45 की आपका देखो कितना हो गया, हो गया तो आपका देखो तो 10 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, वही आपका 10 थीटा हो गया, तो भी आपका 1045 भी आया आपका, देखो ना माइनस का वन माइनस का सॉरी माइनस 10 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1045 माइनस 1048 इसका देखो आपका ना, ये भी आपका माइनस 1045 अगर आया इसका होता, देखो एम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1045 आपका देखो प्लस माइनस आपका देखो वन आ गया। उस समय आपका द इक्वेशन ऑफ लाइन आपका क्या वाई इज इक्वल टू आपका देखो एम एक्स प्लस आपकी क्या होती सी होती, ठीक है तो वाई इज इक्वल टू एम क्या है प्लस माइनस आपका क्या होगा वन, और प्लस सी आपका क्या और एक्स जी हाँ एक्स लिख रहा हूं आपका एम ये हो गया क्लियर है, तो आपका देखो वाई इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा एक्स और आपका देखो माइनस प्लस प्लस है प्लस है ना yes. तो आपका ए हो गया एक बार तो आपका प्लस ले ले आपका देखो और वाई इज इक्वल टू वंस यू विल टेक माइनस तो माइनस एक्स आपका देखो ना और माइनस वन हो गया तो ये उधर चला जाएगा आपका देखो तो वाई माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और दूसरी वाले को अगर आप देखेंगे आपका नाम प्लस और माइनस है फर्स्ट यू हैव टेकन प्लस एंड देन अनदर आपका ना तो वाई प्लस एक्स और प्लस वन इक्वल टू जीरो आर दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रिक्टली आ गया आपका देखो नाम देख रहे हैं आपका बीइंग इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ठीक छो डू इट प्लीज। देखिए इफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2,4 एंड -3,4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c आपका नाम देखो आपका तो सॉल्यूशन आपका नाम देखो दिस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज आपका नाम देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c देखो आपका फर्स्ट पासेस थ्रू द पॉइंट इट पासेस थ्रू द पॉइंट पहला पॉइंट आपका द फर्स्ट पॉइंट इज आपका देखो 2,4 इसका मतलब x इज इक्वल टू एब्सिशा और y इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ऑर्डिनेट ये एब्सिशा ऑर्डिनेट एब्सिशा ऑर्डिनेट आप ना देखो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y y का मतलब देखो 4 इज इक्वल m इनटू आपका देखो दिस इज 2 और प्लस आपका नाम देखो दिस इज 3 ये देखो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हो गए। अब आपका देखो अगेन पासिंग थ्रू अनदर पॉइंट्स एंड दैट एनी अदर पॉइंट्स इज आपका क्या मैं देखो -3,4 देखो आपका ये आपका इसका था x इक्वल टू -3 हो गया और y इज इक्वल टू 4 सबसे बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर आपका देखिए इन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में यहां कर दीजिए फिर देखो y का मतलब आपका देखो जैसे 4 तो मेरे हिसाब से ये गलत तो नहीं ओहो 6 है दिस इज द 6 तभी मैंने कहा 4 देख करके मुझे याद आए ना ये तो आपका कंपेयर करने का जैसे आप करें तो 6 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई दिस इज इक्वल टू एम इंटू एक्स आपका देखो -3 और प्लस सी तो देखो 6 इज इक्वल टू -3m और प्लस सी -3m सॉल्व इक्वेशन नंबर 1
एंटी क्वेश्चन नंबर टू भाई, एलिमिनेटिंग मैथड, किसी एक को ये मंच छोड़ के जाना पड़ेगा, 2m प्लस सी और आपका देखो दिस इज 6 इज इक्वल माइनस 3m और प्लस सी फ्रॉम सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस देख रहे हैं, चलिए खलास ये हट जाएगा आपका दिस इज द ये 5m इज इक्वल माइनस 2 ठीक है, m is equal to आपका m is equal to minus 2 upon 5. This is the slope of the line. Line के slope आपका नाम देखो this is the m is equal to minus 2 by 5. Clear? Now substitute this value of now this is the m in equation number 1 either or 2 आपका जिसमें आपकी मर्जी हो आपका ना देखो दिस इज ये आपका दिस इज 2m प्लस सी इक्वेशन नंबर 1 है आपका देखो 4 इज इक्वल टू देखो m इज व्हाट दैट इज माइनस 2 बाय 5 पर प्लस सी सो दिस तो 4 इज इक्वल टू आपका 2 टू जा माइनस 4 बाय 5 पर प्लस सी क्लियर तो उधर चला गया तो 4 प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू सी ओटी में चला गया तो 5 4 जा 20 20 प्लस 4 24 बाई 5 इज इक्वल टू सी तो देयर फॉर द एम की जो वैल्यू आपकी आ रही थी दैट वाज कमिंग आपका माइनस 2 बाई 5 एंड द वैल्यू ऑफ सी वाज कमिंग 24 बाई 5 दिस वाज द स्लोप एंड दिस इज द इंटरसेप्ट विद द वाई एक्सिस क्लियर ओके डू इट प्लीज नाउ इन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन प्लेन में योर सेकेंड टॉपिक इज आपका नाउ द पॉइंट स्लोप फॉर्म आपका आता है देखो इसमें जो आर्टिकल आपका नाउ बेसिकली आपका ये है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका नाउ थ्रू आपका नाउ देखो द पॉइंट्स पॉइंट्स आपका उस समय आपका एक्स वन कॉमा वाई वन होगा x1, y1 आपका देखो एंड हैविंग स्लोप ऑफ स्मॉल ये आपका नाम देखो दिस इज द होल अब इसमें कई चीजें हैं आपका नाम देखो अगर आप इसको देखेंगे एक मेथड अगर आप फर्स्ट मेथड देखेंगे आपका आर्टिकल वही है ना पर सेम जी पॉइंट स्लोप हाँ इसमें दो मेथड्स होते हैं आपका नाम देखो दिस इज इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड की अगर आप बात करते हैं आपका ना देखो लेट द इक्वेशन ऑफ आपका इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी आपका आपने कह दिया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यह तो आपको पता ही है आपका ना देखो एम आपका दिया होता आपका ना देखो दिस इज और अगर आपका ना सिंस आपका द लाइन passes through x1 comma y1 point से अगर ये line आपकी देखो आपका pass हो रही है आपका ना देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा y1 is equal to देखो m x1 plus c यानी कि अब आपका y is equal to y1 हो जाएगा and x is equal to आपका देखो ना x1 हो जाएगा आपका ना देखो ठीक है क्लियर हो गया ना अब आपका इसमें दिस इज द सेकेंड इक्वेशन अब आपका देखो सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो देखो आपका वाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स वन माइनस एम एक्स आपका देखो ना और प्लस आपका देखो दिस सी माइनस सी हो गया इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हैं देखो दिस ये देखो आपका ना वाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू ये तो खल्लास हो गया अगर m आपने कॉमन ले लिया x1 माइनस x दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन द दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू अपन ऑन x1 y1 से आपका ये कर रहे हैं ये तो आपको मैंने डायरेक्ट फर्स्ट मेथड में आपको बता दिया था अगर आप सेकंड मेथड से इसको करना चाहें आपका इफ यू वांट टू बी आपका नाउ देखो दिस इज द आपने क्या किया
x-axis. Y-axis, x bar, y bar, this is आपका देखो 0-0 हो गया. Now, one point A has a coordinate आपका देखो ना x1 comma y1, and P is the another point on a cartesian plane, इसके देखो आपका xy होगा. यानी कि कुल मिलाकर के ये जो आपका नाम देखो this is AP एक straight line होगी आपका नाम देखो this is AP straight line. Now इसको जब आप आगे लेके आएंगे देखो अपना इट्स मेकिंग थीटा, ये थीटा आपका डिग्री बना रहा है आपका नाम देखो दिस. अब आप क्या करेंगे, यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, यहाँ से आपने ड्रॉप किया, एंड यू ऑल्सो ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, आपका देखो ये आपने ड्रॉप किया, एंड यू ड्रॉप फ्रॉम हियर आपका नाम देखो दिस, ये आपने ये ड्रॉप किया, तो ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा होगा, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू दिस वन. If two parallel lines are intersected by one transversal line, so the angle made by them is known as a corresponding angle. तो ना यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी आपका क्या होगा x होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी आपका क्या होगा x होगी. देखो आपका सो ना दिस वन पोर्शन इज x माइनस आपका देखो x वन आपका देखो ये दिस इज ये आपका यहाँ पे दिस इज द y वन आपका देखो सो दिस मस्ट बी y वन दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज आपका देखो y तो ये आपका क्या देगा y माइनस y वन. जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला के लिए आप करते हैं बिल्कुल वही होगा आपका नाम देखो. अब यहां पे थोड़ा सा जस्ट यू हैव टू गिव द स्पेसिफिकेशन अबाउट दिस फिगर. सो नाउ लेट द लाइन आपका देखो नाउ दिस पासेस नाउ दिस इज थ्री ए पॉइंट इट हैज अ कोऑर्डिनेट आपका देखो एक्स वन कॉमा वाई वन एंड पी पॉइंट इट हैज अ कोऑर्डिनेट आपका देखो एक्स कॉमा वाई आपका देखो नाउ दिस इज बी any point on the line having slope m is puri line ka jo aapka slope hoga wo generally aapka m hoga aapka na dekho to then iska matlab aapka kya ho gaya dekho m is equal to aapka ye tan theta ho gaya yahan pe where ab aapko kahenge aapka where theta be the inclination theta be the inclination aapka dekho of the line of line with the positive direction of x-axis. x-axis की positive direction पे आपका ना ये theta degree होता था. इसका मतलब क्या होगा? Clearly आपका m angle m c a is equal to angle n a p is equal to theta correspondence angles हो गया आपका ना देखो correspondence angle क्यों हो गया कि ना देखो A n is parallel to आपका ना देखो this is the C m and P c is a transversal line. इसीलिए ninth में lines and angles are very much important याद रखिएगा आपका ना देखो this. अब in right angle triangle आपका देखो P n A P n A P n A आपका ना देखो this. M is equal to tan theta और tan theta is equal to perpendicular to base perpendicular से PN over आपका देखो PN over आपका देखो AN M is equal to देखो M is equal to PN is what that is y minus y1 upon आपका ये कितना आपका देखो x minus x1. आप इसको ऊपर नहीं भी लिखते तो देखो y1 नीचे लिखो a नीचे ये हो गया अभी रुक जाइए आपका देखो this आपका M into x minus x1 is y minus y1 ya kar y cross multiplication ya kar dena y minus y1 is equal to apna do this sorry this is m m into apna do x minus x1 ab dekhiye ab yahan pe bachche ko class sir yahan y1 minus y is equal to m into x1 minus x dekh rahe hain aur yahan here you are writing apna naam to koi fark nahi padta aap a ko apka xy le le और P को आपका एक्स वन या इसमें देखो ये आपका टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन ये आपका देखो ये माइनस ले लीजिएगा तो उल्टा देखो वाई वन माइनस वाई हो जाएगा ये माइनस आपका देखो ये कॉमन ले लिया तो देखो आपका एक्स वन माइनस एक्स हो जाएगा माइनस से माइनस खल्लास तो वाई वन माइनस सॉरी वाई वन माइनस वाई इज एम इंटू एक्स वन माइनस एक्स
आइदर यू राइट दिस यू राइट दिस योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वेर यू आर कीपिंग द पॉइंट्स. आपका नाम इज इट क्लियर फाइन. तो ये आपका नाम दिस इज. तो ये जो आपका देख रहे हैं आइदर यू आर लुकिंग आपका नाम देखो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. क्या था ये कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट्स x1 y1. यहां से पास हो रही है आपका नाम देखो और स्लोप जिस समय इसका m है. तो ये प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया आपका नाम देखो.